किसान आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से आज जो ये जिला प्रदर्शन हुआ है उसका जोरदार प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि 2018 में जो हमारा समझौता सरकार के साथ हुआ था वो अभी तक लागू नहीं किया, और आज हमने अपना धरने के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से सीडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और कमलेश डांडा जो हमारी मंत्री हैं उनकी भी पहुंच सके वहां तक हमारी आवाज़, और ये जानकारी मिले सरकार को कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ वही उनकी बेटी माता आज सड़कों पर है क्योंकि जो समझौता सरकार कर देती है उसके बाद वो लागू नहीं करती। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है एसडीएम के माध्यम से जो हमने ये आज ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से कि हमारा 2018 का तो समझौता लागू किया जाए और जो हमारे ऑनलाइन का दबाव है वो कम किया जाए, हमसे ऑनलाइन दबाव ऑनलाइन काम करवाया ही नहीं जाए, हमसे ऑफलाइन काम करवाया जाए क्योंकि हमारी बहनें ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं है। ये धरना जी 3 दिन चलेगा, आज 10 को 11 और 12। आगे की रणनीति ये है कि 3 दिन धरने के पश्चात हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उस मीटिंग में शायद हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है।